इंसान मुझे माफ कर दो, क्या तुम मुझे ट्रेन कर सकते हो क्योंकि मैं इसमें नई हूँ। हाँ वो तो दिख ही रहा है, और मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, मेरे पास सबको सिखाने का वक्त भी नहीं है। अरे प्लीज सब पोजीशन समझा दीजिए ना ठीक से। अच्छा मतलब तुम मुझे रिंग में इनवाइट कर रही हो। हाँ। तुम चाहती हो मैं रिंग के अंदर आकर तुम्हें सिखाऊं? हाँ ओके। आपको मेरा भूसा खाना है क्या? कर रही हो? कैसा है? अच्छा है ना? अच्छा लगा ना? आराम से काम डाउन। मैं सीख रही हूँ। ना ना अरे एटलीस्ट मुझे देखो तो सही। वैसे बिलबोर्ड्स बन गए क्या? हाँ सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। आपको मुझे यहाँ देखकर अच्छा नहीं लग रहा क्या? शायद आप ज़ायदा के साथ अकेले रहना। वो बस मेरी दोस्त है और कुछ भी नहीं। बिल्कुल नहीं, आपके पास बस एक दोस्त है और वो मैं हूँ। मैं आपकी सबसे स्पेशल वाली दोस्त हूँ। कम ऑन सर। कम ऑन? हाँ क्यों कम ऑन? क्या कम ऑन? मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। कम ऑन कम ऑन। मैं बिल्कुल होश में हूँ समझे आप। It's a knockdown. ये तो बस शुरुआत थी। फिर तो गेम लंबा चलेगा। मिस्टर चान, हम इंटरव्यू के लिए आए हैं, आप रेडी हैं? हाँ बस दो मिनट। आइए ना। मैं इनकी दोस्त हूँ और अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, मुझे वार्म अप की बहुत जरूरत है, वरना मुझे ये कभी हरा नहीं पाएंगे। हम दोस्त हैं और एक साथ काम भी करते हैं। हाँ बिजनेस फ्रेंड्स हैं। हम नॉर्मल फ्रेंड्स भी हैं वैसे। हेलो वेलकम। हेलो और मेरे नौजवान दोस्तों कैसे हो आप? ठीक है हाँ बैठ लो। हाँ शुक्रिया शुक्रिया। अरे क्या हुआ यहाँ, सब लोग ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठे हो? कुछ हुआ है क्या? हाँ बताओ। आजकल तो घर में खाना ही नहीं बन रहा। तो हमारी बहुत है इहसान। ओह अब समझ आया, सारी लेडीज लाइब्रेरी में बिजी हैं। हाँ है ना। हाँ घर का कोई काम नहीं चल रहा। कितनी बुरी बात है ये। माफ कर दो भाइयों मुझे कुछ करना ही होगा। रेमी सबके लिए चाय सैंडविचेस लेकर आओ, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। अरे वाह बहुत बढ़िया, क्या बात है, ले आओ भाई। और स्पेशल सैंडविच मिस्टर नियाद के लिए साथ में डबल चाय भी लेकर आओ मसाला मार के। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। भाइयों मिस्टर नियाद। नहीं 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 आपको लेना होगा मिस्टर नियाद, प्लीज मेरी ऑफर एक्सेप्ट कीजिए। आप सबको हुआ क्या है यहाँ, आप सब इतने थके हुए दिख रहे हैं, मुझे तो लगता है शायद आपको खिलाने के लिए सैंडविचेस भी काफी नहीं होंगे। देखो तो एकदम पपीते के सूखे हुए छिलके की तरह लग रहे हो सब लोग। मुझसे तो आपकी हालत देखी नहीं जा रही, वैसे ये सब कब तक चलेगा? तब तक हमारी बीवियां सारी किताबें पढ़कर खत्म कर दे। किताबें खत्म होने का इंतजार मत कीजिए, अगर उसके लिए रुकोगे तो सब इंतजार करते करते मर जाओगे। वो काफी किताबें हैं, और उसके अलावा अगर औरतें सारी किताबें पढ़ लेंगी फिर उन्हें तुम जैसे आदमियों की जरूरत ही नहीं होगी। मुझे माफ करना दोस्तों लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ। यही सच्चाई है। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर नियाद, पर मुझे लगता है मिस्टर स्मेवकीपे ने गलती कर दी हमारी प्रेसिडेंट बनकर। इन बेचारे मासूम मर्दों को देखो, उनके कपड़े देखो कैसे गंदे हो गए हैं। आजकल यही मर्द मुर्दों जैसे बैठे रहते हैं, ये कैसी जिंदगी हो गई है? आप ये सब डिजर्व नहीं करते। अगर आप सब खुश हो तो मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, पर क्या है ये? नहीं नहीं सच बात, लाइब्रेरी को बंद करना ही होगा। चलो साथियों मेरे साथ, चलो सब लोग, चलो चलो इस लाइब्रेरी को बंद करके ही रहेंगे। रुको रुको मेरे दोस्तों, देखो भाइयों औरतों को लगता है कि हमें उनकी जरूरत है, अगर हम वहाँ जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि हम वीक हैं। पर हम वीक हैं क्या बताओ, हम कमजोर हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, हम वीक नहीं है बिल्कुल। पर मिस्टर निहात इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा है क्या? ये लोग उसके पहले भूख से मर जाएंगे, देखिए जरा सोचिए। क्या हुआ मिस्टर निहात? अगर जरूरत पड़े हम हमारा खाना खुद बनाएंगे, क्या कहते हो? बनाएंगे। हम बनाएंगे, हम खुद के कपड़े, खुद की चड्डियाँ, खुद की बनियान, सब कुछ खुद ही धोएंगे। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। उनके पास लाइब्रेरी है, हमारे पास ऑफिस है। बहुत अच्छे, बहुत सही कहा। क्या बात है मिस्टर निया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत। हम अपनी जगह बनाएंगे, सही कह रहे हैं, हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा।
वो जरूर आएगी, हमारा कैफे हमसे कोई नहीं छीनेगा। आप हीरो हैं, भरतों का गैंग जीतेगा। चाय और सैंडविच का बिल मिस्टर नियाद दे देंगे, ठीक है ना? ये बात है, क्या बात है, ओहो क्या बात है, ब्रावो ब्रावो, क्या बात है। हम अपनी जगह बनाएंगे, भरतों का गैंग जीतेगा। मैं चार गिलास नींबू पानी पीऊंगा, चार गिलास, हफ्ते भर की सारी रामी नींबू नहीं, खाली पानी पानी दे देना। ये क्या बात, ये गलत बात है। ये औरत बिना चुड़ैल जैसे इनके पीछे पड़ी है, जहाँ वो जाते हैं वहाँ चली जाती है। मिस्टर जान के अकेले की फोटो लेना चाहता हूँ। ओके, जैसा तुम कहो। वो वाकई में उसके पीछे पड़ी है। ओह माय गॉड, मुझे यकीन है कुछ दिनों में मीडिया इन्हें लवर्स बुलाने लगेगी। अयहान मुझे भड़काओ मत प्लीज। भड़का नहीं रही हूं, जान बता रही हूं। मुझे यहाँ आने दीजिए ना प्लीज। ओह सॉरी, मैं यहाँ आपको इंटरप्ट करने के लिए नहीं आई हूँ। सनी, तुम इंटरव्यू के लिए भी आ गई? ओह नहीं, ये तो एक कोइंसिडेंस है, ऐसा कह सकते हैं। मैं तो यहाँ एक्सरसाइज करने आई थी। आपको तो पता है ना कि ऑफिस में कितना काम रहता है, मैं कितनी बिजी रहती हूँ। मैं तो एक क्रिएटिव कोऑर्डिनेटर हूँ ना, इसलिए मैं बहुत बिजी रहती हूँ। मेरा दिमाग तो काम करता है, लेकिन मेरी बॉडी कभी कभी मुझे साथ नहीं देती, इसलिए मुझे एक्सरसाइज की बहुत जरूरत है। इसलिए मैं अपने पर्सनल कोच के साथ यहाँ आई हूँ, अयहान। हाय। हाँ, ये मेरी फर्स्ट क्लास ट्रेनर है, एकदम कमाल की ट्रेनर है। मैं सनम, हमारी कंपनी की बहुत वैल्यूएबल एम्प्लॉई है। ओह थैंक यू। अगले सवाल पर आते हैं मिस्टर चान, मैं अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछने वाली हूँ, ये बहुत ही पर्सनल सवाल है। क्या आपकी जिंदगी में कोई स्पेशल है? काश ये आपने मुझे इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछा होता, मुझे मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता, तो मैं इस बात का जवाब देना पसंद नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइए कि फ्यूचर में आपका शादी करने का कोई प्लान है? नहीं, मैं खुद को एक फ्री सोल मानता हूँ, बिल्कुल एक वाइल्ड एनिमल की तरह, जिसे आजादी सबसे कीमती है। अच्छा, आजादी जरूरी है। हाँ यही सच है। वो क्या है ना, शादी करके मुझे लगता है कि शादी करके मेरी आजादी चली जाएगी। अगर आपको कोई स्पेशल मिलती है तो क्या आपकी जिंदगी उसके लिए चेंज हो जाएगी? मैं इतना भी रिजिड नहीं हूँ, या मेरी कुछ ज्यादा डिमांड्स भी नहीं है, बस नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस है। उस लड़की को इतना जानता हूँ कि मेरे लिए फिजिकल अपीयरेंस से बढ़कर एनर्जी है। वो काफी खुश पॉजिटिव होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए जिसने अपने अंदर का बच्चा अभी भी जिंदा रखा हो। वो काफी दयालु, थॉटफुल और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसका कैरेक्टर स्टेबल हो, और सच कहूं तो एलिगेंस भी उतनी जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है फ्रेग्रेंस। यू नो, मैं और वो एक फ्रेग्रेंस शेयर करें जो सिर्फ एक्सक्लूसिव हो मेरे और उसके लिए। मुझे घूमना पसंद है, अलग अलग लोगों से मिलना पसंद है, उनसे बात करना पसंद है, तो शायद यही चीजें हैं जो मुझे अट्रैक्ट करती है। मतलब दुनिया घूमने के बाद भी वो आपको नहीं मिली, शायद वो आपके करीब ही गई है जान। मेबी। Please. आप जाइए ना प्लीज। हे रुको, क्या हमारे बीच वापस कुछ हुआ है क्या? कोई गलती हो गई मुझसे? हाँ बता दो मुझे यार। नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अच्छा, तो मुझसे समझने में गलती हो गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम स्लाइटली भी जेलस फील कर रही हो, थोड़ा सा भी, लाइक 1%? जेलस? मैं क्यों, मैं ज्यादा से क्यों जेलस हो जाऊंगी? दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं वैसे भी आपकी लत्ती कौन हूँ, हम तो बस बिजनेस फ्रेंड्स है ना, और एक दोस्त वाला दूसरे दोस्त के प्राइवेट लाइफ से क्यों जेलस होगा? सनम ठीक है, मैं समझ गया। और आपको जिसके भी साथ रहना है आप रह सकते हैं, आप बैचलर। सनम मैं अपने काम पर जा रही हूँ, सॉरी। ये स्लोगन गलत है, और ये भी, ये सब ट्रैश में जाएगा। मैंने तुम दोनों को प्रिंटिंग हाउस भेजा था ताकि ये गलती ना हो, और मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। तुमसे कभी भी कोई भी काम ढंग से नहीं होता है क्या? जान देखो, हम अब पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। एक और स्लोगन, फिर से क्या हो गया डेरिन? अब ये देखेंगे तुमने क्या किया। क्या
इसे देखो, ये रहा बिलबोर्ड जो हमने कैंपस के लिए ऑर्डर किया था, देखा आपने? इन दोनों ने ये सेम साइज का ऑर्डर किया है, जबकि मैंने इन्हें कहा था चेक करने के लिए। ऐसे कैसे? मैंने इन दोनों को साथ में प्रिंटिंग हाउस भेजा था और इन्होंने ये कारनामा किया है। दोनों से क्या मतलब है? जेजे और? जेजे और सनम। ये तो सनम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जेजे की नहीं। माई फॉल्ट, सॉरी। ब्रावो, कॉन्ग्रेट्स। ब्रावो सनी, ब्रावो। कैसी हो तुम गुलीस, तुम ये ब्रावो पे अपलोड नहीं कर सकती हो, दिस इज टेरिबल ब्रावो। मैंने टाइटल और विजुअल्स बराबर से चेक किए थे, पर फिर पर, भी पर क्या सनम, पर अब हम फंस गए हैं इस बिजनेस में बुरी तरह से। ये पर वर्ड बहुत अननेसेसरी है, कल ये बिलबोर्ड्स हर जगह लगने वाले थे, अब क्या होगा, हम इसके साथ अब क्या करें? शायद हम इसे गिफ्ट रैप कर सकते हैं, हाँ, या नोटबुक्स पर कवर लगा सकते हैं, या हम इसे ऐसे ही ऑफिस में कहीं चिपका देते हैं, वो सही रहेगा, या फिर इन्हें उठाकर डस्टबिन में फेंक दे, क्या करें बताओ तुम? मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए, आई एम सॉरी। मैं भी तो यही कह रही हूँ सनम, कि जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसे अगर कुछ बोला ही नहीं आता तो क्या मतलब है उसका। डेरिन बस करो, ये मेरे लिए था? बिल्कुल तुम्हारे लिए था, क्योंकि तुम कुछ पॉजिटिव आइडिया नहीं दे रही हो जिससे हम सोल्यूशन ढूंढ सके, राइट? फिलहाल हमें सोल्यूशन पर फोकस करना है। ओके, तो हम एक काम करते हैं, सनम को एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, ठीक है सनम? वेरी नाइस, आप ऐसा क्यों नहीं करते, इसे एक गिफ्ट भी दे दो। क्या तुम मुझे बोलने दोगी प्लीज डेरिन? हाँ, चुप हो जाओगी दो मिनट के लिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ बस। हम कल सुबह तक सारे काम करेंगे और तुम अपनी गलती को रेक्टिफाई करोगी, ऑलराइट? मिस्टर जॉन, मैं सबसे जरूरी चीज का ख्याल रखूंगा, मैं प्रिंटिंग मशीन वालों को कॉल करके सोल्यूशन निकालूंगा, उनसे पूछूंगा कि ऐसे में क्या किया जा सकता है, तो मुझे भी थोड़ा वक्त लगेगा। ओके, तो इरिटेट नहीं होते हैं और काम पर ध्यान देते हैं, तो एक काम करते हैं, सब बोर हो गए रहेंगे तो सब अपना सामान पैक करो, मेरे घर जा रहे हैं, हम इस प्रोजेक्ट पर मेरे घर पे काम करेंगे। हाँ सनम, तुमने तुम्हारे फ्रेंड्स की जिंदगी का कीमती वक्त खा लिया, इतनी अच्छी बात है ना सनम, क्यों? ब्रावो। वहाँ खाने से बेहतर है कि यहाँ आके मेरी मदद करो। मैं अभी नहीं कर सकती मैफ के बे, मैं अभी मैनिक्योर करवा के आई हूँ। सुनो, तुम्हारी बेटियाँ कहाँ हैं? अभी तक घर पर नहीं आई क्या? इतनी देर हो गई है, तुम्हें क्या लगता है वो दोनों उन आदमियों के साथ होगी? तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों करती रहती हो? वो काम करने वाली लड़कियाँ हैं, ऑफिस में काम होगा। सच में? कुछ भी, क्या हमने उन्हें साथ में लाइब्रेरी के ओपनिंग सेरेमनी में नहीं देखा था? ओहो, कैसे एक दूसरे की आंखों में आंखें मिलाकर बात कर रहे थे। हाँ, हमने देखा और तुम्हारी मदद से पूरी दुनिया को पता चल गया है। मैंने किसी को नहीं कहा। कुछ भी कहोगी क्या तुम? कैसी हो तुम? पर उनके पास तो, सच कहूँ तो उनके पास एंगेजमेंट रिंग भी नहीं थी, शायद उनके पास अब होगी भी नहीं। भला वो तुम्हें क्यों बताएंगे, तुम्हें याद है? अरे मुचकन की बेटी, उसने भी यही किया था, उसने चुपचाप शादी कर ली थी, याद है तुम्हें? मोहल्ले में फैल गया था। मेलिहा, तुम ऐसी बातें करना बंद करोगी? मुझे लगता है कि अब लैला और इमरिक नए कपल बन गए हैं, जैसे कि उस दिन वो दोनों एक साथ थे। और मिस्टर जॉन यहाँ आते ही रहते हैं, बताओ क्यों? किसके आते हैं? इसलिए, सनेम के लिए। और क्यों आएंगे वो भला? वो चाहता है कि सनेम के लिए तुम उसे पहले ही एक्सेप्ट कर लो। वो एक दिन तुम्हारे पास आके कहेंगे कि हमने तो शादी कर ली है और हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। आजकल के बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, कब वो हमसे मुंह मोड़ के चले जाए कुछ पता ही नहीं चलता, कैसे बच्चे हो गए हैं आजकल के, देखो तो। तुम्हें याद है ना वो रागिब की बेटी, उसने भी यही किया था, एक दिन घर लौटी और कहा पापा मैंने शादी कर ली है, और ये सुन के उसके पापा हार्ट अटैक से मरते मरते बचे, अच्छा हुआ वो मरे नहीं, वरना क्या होता पता नहीं। मेरे हाथ, तुम्हारी वजह से मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसा क्यों कह रही हो मैफ की बे, ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे दोनों दामाद अच्छे है, तुम्हारी छोटी सी दुकान बहुत बड़ी हो जाएगी। हाँ क्यों, फिर तुम्हें किराने की दुकान क्यों चाहिए, तुम तो आसानी से मॉल की मालकिन बन सकती हो। मेरी हाथ, तुम्हारी बातें सुन के मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। नहीं निराश मत हो मैं कि बे, तुम्हारे यहाँ तो दो दो शादियाँ हैं, हाँ यही बेहतर है, तुम स्ट्रेस क्यों लेती हो, मुझे समझ नहीं आता, स्ट्रेस मत लो वरना स्ट्रेस लेते हुए। चुप बैठो प्लीज,
ओहो चुप रहूं, मैं जानती हूँ तुम्हारी दोनों बच्चियाँ जो है ना वो अभी भी उन लड़कों के पीछे पड़ी हैं। इन सब की शुरुआत कैसे हुई तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ। और क्या क्या हुआ मेरे भाई, मुझे बताओ ना डिटेल में। ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ, एक छोटा सा अपीयरेंस था। एक बात ध्यान रखो, रोल छोटा हो या बड़ा इससे फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारे करियर की शुरुआत है। तुम देखना तुम्हें जल्दी अवार्ड्स भी मिलेंगे, मुझे यकीन है। सिक्योरिटी गार्ड का रोल था, मैं कुछ बोल भी नहीं पाया उसमें। ऐसे कैसे कुछ नहीं कहा तुमने, तुम्हें कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए था। कुछ भी बोल देते कुछ नहीं होता यार, अपने मन से डायलॉग्स बना देते, अगर उन्हें नहीं अच्छा लगता तो वो कट कर देते। मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, मैं तुम्हें मोटिवेट तो करता कम से कम। कैमरा मैन के पीछे खड़े होकर मैं तुम्हारी अच्छे से हेल्प कर देता, पता मैं क्या करता, पीछे से प्रॉम्प्ट करता तुम्हें। हाँ पर उन्हें बिना डायलॉग वाला ही शॉट चाहिए था। ठीक है पर मेरा विजन उन लोगों से काफी बड़ा है, मैं तुम्हें सितारों को छूता हुआ देखना चाहता हूँ। वैसे तुम्हारा मेकअप कितना अच्छा हुआ, एकदम रियल फील दे रहा है, हरा नीला। लाओ मुझे छू। तुम्हें तो दर्द भी हो रहा है, कितने परफेक्ट एक्टर हो यार। अगली बार ना हीरो के रोल के लिए ऑडिशन देना, पूरी इंडस्ट्री में छा जाओगे तुम। ऐसे पेंगुइन की तरह क्यों चल रही हो, इस ट्रे में क्या है, बर्फी है ना। पकड़ो इसे। तुम्हें क्या हो गया अहान, बताओगी मुझे। मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सरसाइज कर ली। क्या बात कर रही हो, तुमने एक्सरसाइज की बात हजम नहीं हो रही है। जाओ इधर से, दफा हो जाओ, जाओ अंदर जाकर चाय लेकर आओ मेरे लिए, चाय पीकर शायद मेरी थकान दूर हो जाए। वैसे एक बात कहना चाहूंगा तुम्हें, एक्सरसाइज करने वाले कभी कंप्लेंट नहीं करते। हम यहाँ उस्मान के करियर की बातें कर रहे हैं, मैं जाके चाय लेकर आता हूँ, उसके बाद हम हमारी बात कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ चाय पीने का मन कर रहा है। अरे तुम वो ट्रे कहाँ लेकर जा रहे हो, वो पॉट इधर लाओ, ये भी ना एक नंबर का नमूना है। मैंने सिलेक्ट की हुई चीज आप क्यों नहीं पसंद करते मिस्टर जान? सनम मुझे नहीं पसंद आ। ठीक है एक्सक्यूज मी। ओहो हेलो मॉम। बेटा जब वापस आओगी ना तो दही का पैकेट ले आना। मॉम मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको बताना भूल गई, आज हम बहुत बिजी है तो शायद हम यहाँ सुबह तक रुक सकते हैं। सुबह तक मतलब? मतलब सुबह तक नहीं पर काम करते करते देर हो जाएगी हमें। हाँ जैसे पहले देर हुई थी वैसे। शायद उससे भी ज्यादा लेट, हम अभी काम कर रहे हैं मिस्टर जान के घर। मिस्टर जान के घर पे हो? हाँ मेरे साथ लैला भी है। आज हमने काम में बहुत गड़बड़ कर दी थी मॉम, इसलिए बहुत बड़ा इशू हो गया है और इसे हम जब सॉल्व कर देंगे मैं घर आ जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। अब मुझे काम है मॉम, मैं फोन रखती हूँ। अच्छा सुनो जल्दी से वहाँ का एड्रेस भेजो। एड्रेस? आपको एड्रेस क्यों चाहिए? मुझे चाहिए बस, तुम्हारी माँ होने के नाते मुझे इतना हक बनता है ना कि मैं जानूं। मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी बेटियाँ सेफ है, इसलिए मांग रही हूँ। चलो अब जल्दी से एड्रेस भेजो। ठीक है मॉम ठीक है। मिस्टर जॉन के घर पर है, शायद मेरी हाथ सही कह रही थी, मुझे भी सही लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी माँ को धोखा दे दोगी और मैं मान जाऊंगी? ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। देखती जाओ अब तुम, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी माँ क्या चीज है। मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ। हाँ ठीक है। क्या मिस्टर जान? क्या उसने कुछ कहा? ओह गॉड। मॉम सलेम, मॉम आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ कोई स्लीपर है क्या? मॉम आपके जूते जूते निकाल रही हूँ। स्लीपर तो सब काम कर रहे हैं। मॉम आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं भी चलकर देखूँ कैसा काम हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या है मॉम? मॉम मेरी मॉम है। आप सब यहाँ पर काम? मिसेस मैकबे। हेलो कैसे हो? हेलो हेलो वेलकम। थैंक यू मिस्टर चान, मुझे सैलम ने कहा कि आप सब लोग देर रात तक काम करने वाले हैं तो मैं आ गई। आपको क्या लगा? नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं सोचा, वो क्या है कि सब लेट तक काम करेंगे ऐसा कहा सर। एक्चुअली एक बहुत ही अर्जेंट वर्क बाकी रह गया है जो हमें खत्म करना ही है आज, और अनफॉर्चुनेटली ये सब सनम की वजह से हुआ है, हमें अब रात तक काम करना पड़ रहा है। अरे लो खाओ, मैं ये नहीं खाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, और खाओ और खाओ, खा लो खा लो, अच्छा लगेगा। मुझे वाकई बहुत भूख लगी है, इफ यू डोंट माइंड क्या मैं भी खा सकता हूँ? थैंक यू सो मच। मुझे पता था कि तुम्हें भूख लगी होगी, पूरी रात काम करते हो ना इसलिए मैं खाना लेकर आ गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया, चलो खाओ खाओ, पढ़ो।
अरे नहीं, हाँ, कपड़े धोना इतना मुश्किल थोड़ी होता है। हाँ? मैं कभी क्या तुम्हें मैं कर सकता हूँ रंगीन कपड़े बाहर सफेद कपड़े अंदर। तुम तो बात को बढ़ा रही हो, ये तो बस एक बच्चे का खेल है। ये क्या है, रंगीन है या सफेद है? इसे साइड में रख देता हूँ, बाद में देखता हूँ। लाओ ये मुझे दे दो। परफेक्ट। मॉम आई है। मुझे लगा ही था, पर ऐसा कैसे हो गया? वो यहाँ क्या कर रही हैं? वो स्टफ ग्रेप लीव्स लाई। अरे वाह, स्टफ्ड ग्रेप लीव्स। हाँ मिस्टर एम्ब्रे, मेरी मॉम तो ऐसी ही हैं। मैंने उनसे कहा कि हम देर रात तक काम करने वाले हैं, इसलिए वो इंस्पेक्शन करने आ गए। मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, इतना बन गया है। आप ये रख लीजिए, मैं जाती हूँ। तब तक मैं बाहर लेकर जाती हूँ इसे, आप बना लीजिए और आप यहीं रहिए। मैं यूं गई और यूं आई, ठीक है? अरे वाह, कितना टेस्टी। आराम से खाओ। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और ले लो, चार और खा लो। और ले लो मिस्टर जान, आप और नहीं लेंगे? नहीं नहीं, मेरे पास है नहीं। थैंक यू। और लो ना बेटा। हाँ। तुम नहीं देखो। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप यहाँ आखिर क्यों आई हैं? मुझे लगा तुम्हें भूख लगी होगी इसलिए ले आई। तुम मुझसे चिढ़ क्यों रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे कुछ छिपा रही हो? बताओ। ओह माय गॉड मॉम, आप ऐसा कैसे कह सकती है? हम यहाँ काम कर रहे थे और फिर मिस्टर जान ने थोड़े चेंज के लिए हमें यहाँ बुलाया था। वो कितने अच्छे बॉस है, आपको दिखाई नहीं देता क्या? ये बताओ मिस्टर एम्ब्रे कहाँ है? मॉम मुझे नहीं पता, मैं यहाँ काम कर रही थी, होंगे कहीं आसपास, मैं उनके पीछे पीछे नहीं रहती हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, जाओ काम करो, डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैं तुम दोनों को उस कोने में बैठकर देखती रहूंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, शांति से काम करो। मैं यहाँ बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं यहीं बैठूंगी। अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए हो तो मुझसे कोई पूछ सकता है, मैं बता सकती हूँ। मिसेस मैथकीबे, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मिस्टर एम्ब्रे। देखने दो मुझे, वेरी गुड। तुम क्या कर रहे हो? रंग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, मैंने डिफरेंट कलर्स यूज किए हैं, कलरिंग एक कला है, तो कैंपेन के लिए मैंने ये चुना है। कौन सा बेहतर रहेगा मिसेस मेव के भी? क्या राय है आपकी? इसे बंद कर देता हूँ, ये ठीक रहेगा। अब हम इसमें डिटर्जेंट डाल देते हैं और इसे ऑन करते हैं। तीन बक्से हैं, किस में डालू? दो में डाल देता हूँ मैं, अच्छा रहेगा। ये क्या है? ये कंडीशनर है। बहुत बढ़िया खुशबू है, ये कंडीशनर हो गया। इसे डाल देता हूँ। बस बहुत हो गया, थोड़ा डाल ही देता हूँ। अच्छा है, ये हुई ना बात। अब इसे 90 डिग्री पर सेट कर देता हूँ, खत्म। देख लेना मिसेस मैकबे, क्या कर सकता हूँ, देख लेना, ये काफी अच्छी खुशबू आएगी। मुझे लगता है कि ग्रीन अच्छा है। हाँ यही अच्छा है। ग्रीन अच्छा है? ग्रीन अच्छा है, ठीक है। ये ग्रीन थोड़ा ब्राइट है, जैसे पत्तियों का कलर होता है ना वैसा। बत्तख के पंख और ग्रीन? नहीं, फ्रेश ग्रेप्स लीव होती है ना वैसा कलर, जो गर्म पानी में डालने से पहले जैसा हो जाता है, थोड़ा सा डार्क हो जाता है वैसा। ओके, ये सही है? नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं होता है, ये तो ग्रीन चीज मोल्ड ग्रीन कलर है, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? जैसे लाइट, थोड़ा सा लाइट करो ना, इतना डार्क नहीं। मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? प्लीज अंदर चलिए ना, प्लीज चलिए। थोड़ी देर रुको ना, तुम्हें पता है छोटी छोटी मिर्ची जो होती है, जो बाजार से हम खरीदते हैं, थोड़ी सी डार्क कलर की होती है। मिर्ची, ओके। अब ठीक है? हाँ ये सही है। कब से मॉम 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 किए जा रही हो, हम काम कर रहे हैं लैला। मैं तुम्हें बता रही हूँ जेजे, ये बहुत अच्छा है। तुम्हें कैसा लग रहा है ये बताओ तुम? बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा सच में।
तुम्हारा काम वाकई बहुत हार्ड है। टोक 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 लैपटॉप में पूरा दिन लगे रहते हो, बहुत मुश्किल काम। तो हमारा काम है। बहुत अच्छे, हमारा जॉब बहुत मुश्किल है, तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करने दीजिए। चलिए मॉम जल्दी चलिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, मैं यहाँ ठीक हूँ सच में। पर मॉम मेरा काम हो गया है, आप देख रहे हैं ना वो सब लोग काम कर रहे हैं, प्लीज यहाँ से चलिए, उन लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज आप चलिए मेरे साथ, मैंने आपको कहा ना। ठीक है, कम ऑन, चलो चलते हैं। सनम कहाँ है? सनम, चलो हम जा रहे हैं, ठीक है? हाँ हाँ। सनम तुम नहीं आ रही हो क्या? अच्छा आप लोग जा रहे हैं तो ठीक है, फिर मिलते हैं। मैं अपना काम पूरा करके आती हूँ, मैंने गलती की है तो मैं इसे दोहराना नहीं चाहती, इसलिए काम पूरा करके। ये अच्छी बात है, दिन रात काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन सब लोग घर जा रहे हैं और तुम यहाँ अकेले बैठकर काम करोगी। मिसेस मैफकी, मैं भी यही हूँ, यू डोंट वरी, मैं उसे घर ड्रॉप कर दूंगा, ओके? आप फिक्र मत करो। देखा कितने समझदार बॉस है, मेरा मतलब जिम्मेदार। आपको नहीं लगता कि इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए? लगता है ना? थैंक यू सो मच मिस्टर जान, मेरा नसीब बहुत अच्छा है कि मुझे आपके जैसे इतने समझदार बॉस मिले हैं। माय प्लेजर सनम, असल में मैं लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ काम करने मिल रहा है, तुम नहीं होती तो पता नहीं कंपनी का क्या होता। ओह, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ करते हैं। ओके देन, गुड नाइट मिसेस मैफकीबे। गुड नाइट मिस्टर जान, काम करो, अच्छे से काम करो। चलिए अब जल्दी चलिए। मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों यहाँ अकेले रहने वाले हो? मॉम आप ऐसा कैसे कह सकती है, आप ऐसा कैसे कह सकती है मॉम, यहाँ पर डेरन है, जीजी है, लैला, आप तुम ही बताओ इन्हें हमारी कंपनी के पॉलिसीज के बारे में। मॉम हम ऐसे ही काम करते हैं, आपका एटीट्यूड चेंज कैसे हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा। गॉड, मुझसे इस तरह बात मत करो, लेट मत होना तुम। चलिए और जल्दी चलिए, धोकर लेकर आना, ऐसे ही मत ले आना। चलिए जल्दी चलिए, आप क्या कर रही हैं? तुम चुप रहो, चलो। तुम ऐसा आप क्यों कर रही हो, मैंने तो तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा डिटर्जेंट दिया था, मैंने सफेद कपड़े और रंगीन कपड़े भी अलग किए थे, मैंने तब जाकर ही मशीन स्टार्ट की, क्या तुम मुझसे नाराज हो क्या? मैंने अब क्या कर दिया ऐसे, ये फोम बाहर क्यों आया हुआ है? डैड आपने इतना डिटर्जेंट क्यों डाला? लैला, मेरे के बे, तुम जैसे कपड़े धोती हो वैसे मैंने कॉपी करने की कोशिश की, सब सही से किया, मैंने डिटर्जेंट डाला, कपड़े जैसे तुमने कहा था वैसे किया, फिर भी ये देखो कैसे हो गया ये। आपने इतना डिटर्जेंट डाला इसीलिए ऐसा हो रहा है डैड, ये क्या किया आपने? लैला रुको, अगर वो काम कर रहे हैं तो उन्हें काम करने दो, तुम क्यों जा रही हो? काम करने दो उन्हें। पर मॉम, जाने दो, ये तो काफी आसानी से चलने वाली मशीन है, आदमियों ने तो बनाई ये मशीन, हम खुद का ख्याल खुद रख सकते हैं। अच्छा, ये वॉशिंग मशीन आदमियों ने बनाई है ऐसा कह रहे हैं? तो ठीक है, फिर आप अपनी लॉन्ड्री खुद कीजिए, हम ऊपर जा रहे हैं। चलिए मॉम हम ऊपर चलते हैं, बाय डैड, अपना काम कीजिए। ठीक है, जाओ। अभी भी फोम क्यों आ रहा है बाहर, कुछ ज्यादा ही हो रहा है अब तो, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है मेरे, कैसे बंद करूं तुझे, कैसे साफ करूं? ठीक है, ये फॉन्ट अच्छा रहेगा और ये स्लाइड। बस आप कैसा चल रहा है? गुड, मैं कलर्स चेक कर रही थी, मैं नहीं चाहती कि ड्राफ्ट से कलर डिफरेंट रहे। कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, मैं हेल्प कर दूंगा। नो प्रॉब्लम। तो तुम लिख रही हो? हाँ लिख रही हूँ। A for amor. मेरे लिए anxiety है। Amor is better. लिख लो। मैंने लिख दिया। C for caring. J से. Caring. J से. C से. हाँ मैंने लिख दिया। N stands for noble. अचानक गर्मी पड़ गई, शायद मुझे ये नहीं पहनना चाहिए था। रहने दो, से निकालो मत। मैंने N लिखा है। लिख लिया ना? हाँ लिखा है। थ्री, ये कैसा है? A direct one. खाली चाहिए। The cardinal number one. सिर्फ एक ही नंबर चाहिए, राइट? हाँ समझ गई, पहले कोडिंग करती थी नंबर्स, थ्री, ठीक है थ्री। हाँ। 815 कैसा रहेगा? 815, that was very quick. हो गया इतने जल्दी? क्या तुम थक गई हो? जब मैं आपके साथ होती हूँ तो कभी नहीं थकती।
ठीक है तो प्रेजेंटेशन पे काम करते हैं। वो प्रेजेंटेशन जो लॉन्च में रहेगा उस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि वो तुम करने वाली हो, राइट? क्या? हाँ, पर वो मैं कैसे करूँगी? तुम ही करोगी। पर मैं करूँगी क्या और कहूँगी क्या? तुम कर सकती हो, तुमने ही कैंपेन डिजाइन किया, यू नो इट ऑल। ऑलराइट। चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर हो जाएगी तो तुम्हारी मॉम फिर से आ जाएंगी। ठीक है, तुम प्रेजेंटेशन फाइल को लेकर स्टार्ट कर सकती हो। हाँ हाँ, मुझे पता है वो कैसे करना है। मैं कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे उम्मीद है कि सब परफेक्ट होगा। तुम कर लोगी, डोंट वरी। ओके, मुझे लगता है हमारा काम हो गया है। जीजी और गुलीस जाओ, जाकर आराम करो। क्या चलो सैनम, तुम्हारी मॉम तुम्हारी फिक्र कर रही होंगी। चलो ठीक है, हम जा रहे हैं। हाँ हम जा रहे हैं ना। चलो मैं अपना सामान ले लेती हूँ। अरे okay. मैं तो इसे भूल ही गई थी। मैं आता हूँ, तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। सच में? हाँ। ओके, आई एम वेटिंग। थैंक यू सो मच मिस्टर एम्ब्रे, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। हाँ ठीक है, चलिए। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू, आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। सच में? आपने देखा कौन आया है? देखा, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? एक नंबर की बेशर्म है। लेट मी एक्सप्लेन यू हनी, मैं यहाँ फैब्रिक की रिप्रेजेंटेटिव बनकर आई हूँ। मैंने सारे डॉक्यूमेंट तुम्हारे बॉस को दे दिए हैं, है ना जान? चलो एक बार फिर से चीजों को क्रॉस चेक कर लेते हैं, हमें उसमें और कोई मिस्टेक्स नहीं चाहिए, राइट? हाँ, आप सही कह रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। हमें हमारी कंपनी को और ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। मैं तुम्हारे लिए एक मोटिवेशनल स्पीच लिखकर दूंगा। वो बहुत तो आया ना। ओह देखो तो उसे, क्या बात है? क्या हुआ? आयहान? हेलो। हेलो। मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू। मैं सच में आज बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। Oh, my pleasure. क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं अजीब लग रही हूँ? नहीं नहीं, तुम बहुत अलग दिख रही हो, तुम एक वुमन लग रही हो। वुमन लग रही हूँ? तो इसके पहले क्या मैं तुम्हें एक आदमी लगती थी? नहीं नहीं, मेरा वैसा मतलब नहीं था। मेरा मतलब था तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो, बहुत। थैंक यू, तुम भी बहुत स्मार्ट लग रहे हो, काफी हैंडसम लग रहे हो। मैं खुद के कपड़े खुद डिजाइन करता हूँ। रियली? हाँ सच में?
अच्छा ये तुम्हारी बेल्ट, मुझे इसका स्टाइल बहुत पसंद आया, और ये तुम्हारे जैकेट का फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। अयहान, हम कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गए हैं, यहाँ आसपास लोग देख रहे हैं। आई एम सो सॉरी, शायद मेरी रिंग नीचे गिर गई। ओह मेरा सर। अयहान, मैं एक जेंटलमैन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम क्यों नीचे झुक रही हो? मैं हूँ ना, मुझे करने दो। क्या तुम सच में एक जेंटलमैन बनने की कोशिश कर रहे थे? और नहीं तो क्या? क्या हुआ? अकड़ गया। क्या अकड़ गया? क्या हुआ तुम्हें? मैं अकड़ गया हूँ। तो अब मैं क्या करूँ? रुको, पहले मुझे तुम्हारी रिंग वापस देने दो। जी 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 जी, तुम कितने स्वीट हो, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, मैं दुनिया का सबसे अच्छा नजारा देख रही हूँ, मुझे बेहद खुशी हो रही है। मिस डेरन, आप गलत सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ हाँ, आप गलत सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे शर्माने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें पता है मैं प्यार के लिए बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। हाँ? इस रिंग ने तो मेरा फ्रॉडो बना दिया है, बिल्कुल एक हॉबिट लग रहा हूँ मैं इस वक्त। तुम नीचे झुके, वो रिंग लेने के लिए ऐसा लगा जैसे ये कोई प्रपोजल है, जैसे प्रपोजल होता है ना, बिल्कुल वैसा। जी जी, कम ऑन। कम ऑन किस लिए मिस डेरन? तुम अभी प्रपोज करोगे, चलो जल्दी करो। मिस डेरन, मैंने आपको बताया ना, आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी, किसी लड़की को इतना ज्यादा वेट कराना अच्छी बात नहीं, चलो करो अभी। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम मेरे साथ डांस करोगी अयहान? मैंने अभी दुनिया का सबसे अच्छा मोमेंट देखा, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देती हूँ, खुश रहो हमेशा। पर कौन सा डांस, यहाँ तो कोई म्यूजिक भी नहीं है। म्यूजिक के साथ तो सभी डांस करते हैं। जी जी, तुम्हें पता है ये हमारा साथ में पहला डांस है। जानता हूँ। फिर से अकड़ गए? मिस डेरन को जल्दी बुलाओ, जब वो मुझ पर चिल्लाती है मैं ठीक हो जाता हूँ। ठीक है। मिस डेरन, मिस डेरन, जल्दी बुलाओ। इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या करूँ? शाहरुख खान पहले आप। आप एक बिना एक्सपीरियंस वाले अनाउंसर को क्या सलाह देंगे? खुद पे हमेशा भरोसा रखो और अपना फोकस कभी लूज मत करना, और भूलो मत कि तुम्हें सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। ये प्रोजेक्ट बस तुम्हारे ही खूबसूरत दिमाग और दिल से आया है, राइट? तो तुम्हें अच्छे से पता है कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। ओके, आई अंडरस्टैंड। हे मिस्टर जॉन, मैं आपको मिस्टर मकीनो से मिलवाती हूँ। हेलो मिस्टर मैकिनन, नाइस टू मीट यू। इट्स माय प्लेजर। अरे आपको टर्किश आती है? हां, मैंने टर्की में कुछ दिन बिताए। मैंने भी। सनम हमारे इस प्रोजेक्ट के क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। नाइस टू मीट यू। वैसे मिस्टर मकीनो ने एक पार्टी अरेंज की है लॉन्च के बाद, वो चाहते हैं कि हम वहाँ पे मौजूद रहे। सच में? हम आने का ट्राई करेंगे। नहीं नहीं, आप जाइए, हम इसी बहाने हमारी सक्सेस सेलिब्रेट करेंगे। ओके, आई विल बी देयर। मुझे बहुत खुशी होगी। मैं भी आ सकती हूँ, पर पहले मुझे प्रेजेंटेशन खत्म करना है। जान ने मुझे अपॉइंट किया है, मेरे दोस्त जान ने। जान, मैं यही हूँ। ओके, चलो ड्रिंक लेते हैं। आइए चलो। ऑलराइट, ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ओके ओके ओके। आइलैंड, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें किसी ने देख लिया तो? मैंने कहा था ना कि कोई जरूरी बात होगी तो मुझे मैसेज करना। एमरे, मुझे तुम्हारे इस गेम से अब नफरत होने लगी है, समझे? मैं तो ये भी नहीं जानती कि तुम कौन सा गेम खेल रहे हो। कौन सा खेल? तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम अच्छे से जानते हो कि लैला के साथ क्या चल रहा है। एमरे, मैंने देखा तुम उसे कैसे देख रहे थे। आइलैंड, प्लीज स्टॉप इट। तुम अपनी जेलसी की वजह से सब कुछ बर्बाद कर दोगे, तुम्हें पता है ना? एमरे, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम्हारे साथ इतने सालों से जो हूँ,
बट बी केयरफुल अबाउट लैला ओके। फिलहाल मेरा पूरा फोकस जान और सनम पर है। मुझ पर नजर रखने के बजाय अच्छा ये होगा कि तुम उन पर नजर रखो। समझ गई तुम? हमारा फ्यूचर रिस्क में मत डालो।